अस्सलाम वालेकुम यार्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि निमिस्टिक के पेपर की तैयारी कैसे करनी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी किसी पेपर की तैयारी करनी होती है तो उसके लिए हमें पास पेपर चाहिए होते हैं, और पास पेपर से हमें चाहिए कि हम पहले पास पेपर्स को कवर करें और फिर बाद में बाकी सिलेबस कवर करें, अगर आपके पास टाइम कम है तब। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप पास पेपर्स भी करें और साथ में सारा सिलेबस भी कवर करें। देखते हैं, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कि पास पेपर्स में आए हैं, उनको मैंने सेपरेट लिख लिया है। देखते हैं कि पास पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और किस किस को करने से आपका पेपर कवर हो जाएगा। लेट्स सी। ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन, ह्यूमन और एनिमल कम्युनिकेशन जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, ये हमें करना होगा लाजमी। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल लिंग्विस्टिक्स, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड वेरियस वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज। एक्सप्लेन इन डिटेल RP इंग्लिश वॉल्स एंड डिपथॉन्ग यूजिंग अ ट्रेपजॉइड। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी एंड वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। व्हाट इज स्टाइलिस्टिक्स, इंग्लिश सैलेबल स्ट्रक्चर, सेंटेक्स, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। इज लिंग्विस्टिक का साइंस, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, बोन एंड फ्री मॉर्फिम्स, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, लैंग एंड पेरोल, डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक, फ्रिकेटिव्स, इंग्लिश सैलेबल स्ट्रक्चर, थियोरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, सीमेंटिक्स एंड थीमेटिक रोल्स, एजेंट, थीम, इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सपीरियंस, लोकेशन, सोर्स, गोल। ये सारे वो पॉइंट्स हैं इनकी, यहाँ एजेंट से लेकर थीम, इंस्ट्रूमेंट, एक्सपीरियंस, लोकेशन, सोर्स, गोल, ये सब इनकी डेफिनेशंस करेंगे और एग्जांपल्स हम जब लिखेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांचेज ऑफ फोनेटिक्स, यूनिवर्सल ग्रामर, सिमेंटिक फील्ड थ्योरी, सिमेंटिक फील्ड थ्योरी, कंपोनेंशियल एनालिसिस, ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक एंड लेवल्स, हाइपोनिम एंड सुपर ऑर्डिनेट, इंग्लिश शॉर्ट वॉल्स, प्रिस्क्रिप्टिविज्म एंड डिस्क्रिप्टिविज्म, मैनर ऑफ कॉन्सोनेंटल आर्टिकुलेशन, एलिशन एंड एसिमिनेशन, हाइपोनिम एंड पॉलीसिमी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर प्लस सरफेस एंड डीप स्ट्रक्चर, कोड स्विचिंग, कार्डिनल वर्ड्स, अफेक्सेशन, ब्रांचेज ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं वो हैं इन्फ्लेक्शनल एंड डेफिनेशनल मॉर्फीम्स, फंक्शनलिज्म, स्पीच एक्ट्स, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, ट्रेडिशनल ग्रामर, सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स, बिहेवियरिज्म एंड मेंटलिज्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लिश वॉल्स, सिनोनिम, एंटोनिम, इंटोनेशन, लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि पास पेपर्स में रिपीट हुए हैं बार बार। अगर आप इन सब को कवर कर लें अच्छे से तो इस तरह आपका पेपर बहुत ही अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। और रही जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और MCQs वगैरह, वो भी इन्हीं में से आएंगे। अगर आप इसको होल एज अ होल सारा कुछ याद कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होंगे और लॉन्ग जो क्वेश्चन का पेपर है वो भी कवर हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का लिंक आपको बाकायदगी से मिलता रहे। थैंक यू।